मैं जरूर एक बात पर कल वाली घटना के बाद दुखी हूँ कि वहां सिर फोड़ने के बयान दिए गए एक अफसर द्वारा, वो उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स जो एक आईएएस अफसर के होने चाहिए वो उसको मीट नहीं करते और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी सब अनुसार। सोशल मीडिया के और कई अखबारों ने आज, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी दर्शाया, मुझे लगता है कि जो ओथ एक अफसर लेता है अपने हाई एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने की, वो फुलफिल नहीं करता, उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो सरकार जरूर करेगी। वड्डी खबर किसानी अंदोलन नाल जुड़ी है। बीते दिनी किसानां ते लाठीचार्ज दौरान करनाल दे एसडीएम दी वीडियो वायरल हुई सी, जिस दे कारण हुण एसडीएम कसूते फसदे दिखाई दे रहे ने। दरअसल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दा कहना है कि एसडीएम दे उत्ते बनदी कारवाई कीती जावेगी। इस दे नाल ही चौटाला ने कहा कि आईएएस अफसर अधिकारी वल्लों अजिहे शब्द दी वरतों करना अति निंदण योग है। मैं जरूर एक बात पर कल वाली घटना के बाद दुखी हूँ कि वहाँ सिर फोड़ने के बयान दिए गए एक अफसर द्वारा, वो उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स जो एक आईएएस अफसर के होने चाहिए वो उसको मीट नहीं करते और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी समय अनुसार होगी। मगर जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को खराब करेंगे, मुझे लगता है कि वो पुलिस का काम है कि वो चीजें भी मेंटेन करें। इसमें आप मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं सर, क्योंकि आप पार्टी में सरकार से इतनी बड़ी घटना हुई आप दुखी नहीं हैं, तो इस आईएएस के प्रभाव को लेकर कल वाली घटना की जांच को विषय में लेकर कोई बात आती है? बीजेपी की बैठक थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल उस पर बयान भी दे दिया, सारी बात कल रखी गई। मगर जो वीडियो आई है और जिस तरह के बात उस वीडियो में कही जा रही है, कई लोगों ने उसको सोशल मीडिया के और कई अखबारों ने आज, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी दर्शाया, मुझे लगता है कि जो ओथ एक अफसर लेता है अपने हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की, वो फुलफिल नहीं करता, उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो सरकार जरूर करेगी। सरकार के कार्यक्रम जारी रहेंगे सर, अभी लोगों को मेरे ख्याल से तो 9 महीने में रुके नहीं। नेक्स्ट मंथ इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सितंबर 2021 75% रिजर्वेशंस इन ऑल प्राइवेट ट्रस्ट सोसाइटीज प्राइवेट पार्टनरशिप्स विल बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट ऑफ सितंबर महीने। जो कानून वाले जो टीम थी, परवाना जी की सुन रहे, सबसे सीनियर मोस्ट जी परवाना, इधर आ जाओ माइक पे, इतने आप पूछ लो पहले, अब तुम कौन है? थैंक यू वेरी मच जी। चौटाला साहब, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उस पर दखल नहीं देना चाहता था, क्योंकि लग रहा था कि आपका ध्यान और सब्जेक्ट्स की तरफ है। मेरा क्वेश्चन ये है जी कि हरियाणा विधानसभा का एक बाई इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक विदिन 6 मंथ इलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है या हरियाणा सरकार ने रुकवा दिया है। पॉइंट ये है कि क्या आपकी सरकार इलाहाबाद बाई इलेक्शन के लिए तैयार है? भाग तो नहीं रही, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर। रोना जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं इतना बोल दूं, ना तो सरकार भाग रही, सरकार पूरी तौर पर तैयार है और ये निर्णय कोई प्रदेश सरकार का या प्रदेश इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये फैसला देश की सबसे स्वतंत्र बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है और केवल मात्र हरियाणा का एक बाई इलेक्शन ही रोका गया,
बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर एमपीज की एमएलएज की कोविड के कारण डेथ हुई है और उन तमाम राज्यों के बाय इलेक्शंस आज रुके हुए हैं लुकिंग एट द पेंडेमिक स्टेज इन द कंट्री। और जिस दिन इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देगा प्रदेश की सरकार और दोनों पार्टियां पूरी तौर पर तैयार है, इलाहाबाद लड़ेंगे अपने दम पे और इलाहाबाद को जीतने का भी काम है, मिलके लड़ेंगे तो गठबंधन का ही होगा। मुझे रिपीट करने की इजाजत दीजिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हैदराबाद का बाई इलेक्शन नेक्स्ट ईयर फरवरी महीने पंजाब विधानसभा के। परवाना जी, इसका जवाब तो अगर कोई दे सकता है तो सुनील अरोड़ा जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ही दे सकते, रिटायर हो गए तो जो नए आगे वो दे देंगे। दो तीन क्वेश्चन हैं क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया, रिपीट भी कर दिए हैं। तीन चार विषय ऐसे हैं जो ज्वलन चल रहे हैं, जो पूछना चाहते हैं कि नंबर एक पंचायत चुनाव पे क्यों हम पीछे हटते जा रहे हैं। हम पूरी तौर पर तैयार हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमने लिखित पे दे दिया है क्योंकि सब जूडियस मैटर चल रहा है और पिछले तारीख पे ये कमेंट हुआ कि पुराने फॉर्म हमने जब अमेंडमेंट्स करी है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन 8% रिजर्वेशन फॉर बीसीए तो हम चाहते हैं कि उन अमेंडमेंट्स के साथ प्रदेश के अंदर इलेक्शंस हो और उन अमेंडमेंट्स के साथ महिलाओं को जो 50% हक या बीसीए को 8% हक जो हम देना चाहते हैं वो हक भी उनको मिले। जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स होना है वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्लॉक समिति का भी जिला परिषद का भी ऑलरेडी हो चुका है और पंच और सरपंच के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दे दिए। लेकिन हमें जो हाईकोर्ट में जो सरकार की तरफ से गया है कि हम चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं, जो सुनाई हम तो चाहते हैं हाईकोर्ट उस पर फैसला दे दे, जैसे एजुकेशन वाले पे आपको पता है पिछली बार डिले हुआ था मगर एजुकेशन की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड रहे पंचायत के लिए, वो एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक गया था और उसके बाद हुआ था। हम तो चाहते हैं हाईकोर्ट जल्दी निर्णय दे दे 50% वुमेन रिजर्वेशन पे या 58% बीसी पे कि हम वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके प्रत्येक मेंबर सरपंच ब्लॉक समिति मेंबर जिला परिषद मेंबर को वो इक्वलेंसी दे पाए जो प्रदेश ने। आप इकट्ठा करवाना चाहते हैं पंचायत। दूसरा पॉइंट ये चल रहा, दूसरा पॉइंट ये चल रहा है, एक तो बात क्लियर होगी कि जब तक हाई कोर्ट हमारी इस जो हमने अमेंडमेंट किया इसके अनुसार फैसला नहीं देगी, जब तक रोक नहीं है लगी रही है। नहीं, अब अगली तारीख पे अगर परमिट करता है हम तो करा देंगे। दस दिए कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने भी किसानों ते कीते लाठीचार्ज की निंदा की, कहा कि खट्टर सरकार किसानों तो मुआफी मंगे, इस दे नाल ही करनाल के एसडीएम नूं बर्खास्त करन दी मांग की गई। चंडीगढ़ तो बिंदु सिंह की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सीधी गलबात ते जानो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ए प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बनन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।